लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं ओमकार हूं, सत्य असत्य पाप पुण्य स्वार्थ परमार्थ सभी में समान रूप से विद्यमान ओमकार। सत्य परमार्थ और पुण्य मुझे पाकर आकार प्राप्त करते हैं, असत्य स्वार्थ और पाप अपनी दुर्बलता के कारण मुझे अस्वीकार करते हैं। रोहिणी, अत्रि और अनसुया महामृत्युंजय का जाप प्रारंभ करते हैं। तत्पश्चात चंद्र और रोहिणी समुद्र तट पर पहुंच पार्थिव शिवलिंग बनाकर शंकर जी की पूजा करते हैं। दक्ष महल, आश्रम तथा समुद्र तट पर निरंतर जाप से शिव शंकर प्रसन्न होते हैं। शंकर चंद्र से कहते हैं कि तुम प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष में क्षीण होकर अमावस्या तक आकाश में अदृश्य हो जाओगे, किंतु मेरे वरदान के प्रभाव से शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तक तुम्हारा प्रभाव बढ़ता ही रहेगा। रोग मुक्त होकर चंद्रदेव भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि वे ज्योति के रूप में भक्तों के कल्याणार्थ सदा यही विराजमान रहें। तभी से भगवान शिव सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से वहां विराजमान हो गए। जब सर्वप्रथम भोलेनाथ ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, तभी से वो दिवस महाशिवरात्रि के नाम से विख्यात हुआ।
सर्वप्रथम जब मैं ज्योतिर्मय स्तंभ रूप में प्रकट हुआ था, वो मार्गशीर्ष मास में आद नक्षत्र से युक्त प्रतिपदा का समय था। सर्वप्रथम विष्णु और ब्रह्मा ने मेरे दर्शन किए थे और तभी से ये दिन महाशिवरात्रि के नाम से विख्यात है। हे महेश्वर, इस शुभ दिन का महत्व बताने की कृपा करें। भक्तजन इस रात्रि को शिव कृपा पाने की इच्छा से हमारा पूजन करते हैं, किंतु ये इच्छा पूर्ण होना इतना सरल नहीं। क्यों प्रभु? जब तक हृदय में अज्ञान और अधर्म का साम्राज्य चलता रहेगा, ना तो शिव तत्वों का प्रकाश होगा, ना ही मन का अंधकार मिटेगा। स्वामी, ये शिव तत्व क्या है और इसकी महिमा क्या है? नारद, तुम तो शिव और विष्णु दोनों के ही परम भक्त हो। सती की इस जिज्ञासा का निवारण तो तुम ही कर सकते हो। अवश्य करूंगा महादेव, किंतु इस समय मेरा मन गुरुद्रु के व्यथा से व्याकुल है। गुरुद्रु? ये कौन है देवर्षि? एक आदिवासी भी, अभी अभी अपनी आंखों से उसकी व्यथा देखकर आ रहा हूँ। किंतु ये गुरुद्रु है कौन और इसकी व्यथा क्या है? कृपा करके मुझे भी बताइए ना देवर्षि। हे महेश्वर, इससे पूर्व कि मैं देवी सती को उस भील के संदर्भ में कुछ बताऊं, कृपया कर आप मुझे ये बताएं कि जो कुछ उस भील के साथ हो रहा है, ये सब कहीं आप ही की तो लीला नहीं? नारायण नारायण। परम ब्रह्म तत्व को जानने वाला ऐसा प्रश्न नहीं करता नारद। तुम सती की जिज्ञासा का निवारण करो। माता, गुरुद्रु एक आदिवासी भील है जो अरण्यों में रहकर पशु पक्षियों का शिकार करके अपने कुटुंब का पेट भरता है।